या उनको प्राइवेसी चाहिए, या दे डू नीड प्राइवेसी, बट एक स्टेप आता है जहां आपको लगता है वो अकेले हैं, तो जाइए उनके दोस्त बनिए, उनसे बात करिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, दिस इज विनती मिश्रा होस्टिंग बी एन एक्टिव प्रेजेंस वॉइस ऑफ यूथ एंड द फेस शेयरिंग फ्रेम विथ मी इज आकांक्षा मिश्रा मैम। सो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आकांक्षा मिश्रा मैम, शी इज नेशनल प्रेसिडेंट एट एस्थेटिक काउंसिल फॉर प्रोग्रेसिव वुमन, स्टेट कमिश्नर एट शांति धाम फाउंडेशन। शी इज करेंटली वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन डेलिम्स चौबेपुर and in finalist of Mrs. India International Queen. So guys, come on, give a huge round of applause. Ma'am, starting with the first question. Yeah. ये जो अभी introduction की जो लंबी सी list थी. Yeah, yeah. Ma'am, वो पहला approach क्या रहा कि you know got these achievements? If I start with approach, तो बहुत ही छोटा सा था. जो सब कहते हैं कि शुरुआत जरूरी होती है, तो आई स्टार्टेड इनिशियली एज अ रिसेप्शनिस्ट। मैंने एक रिसेप्शन से शुरुआत की थी। आई यूज्ड टू टेक फीस, आई यूज्ड टू सेल फॉर्म्स फॉर माय स्कूल, और वो इनिशियली एक साल का जो टाइम था उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया वहां से शुरुआत करके, धीरे धीरे ये पड़ाव यहाँ तक पहुंची हूँ। वो कंटिन्यूस रहा जर्नी मेरी, और मैंने कभी सोचा नहीं कि हाँ अब रुक जाना चाहिए। सो स्टिल मोर टू कम, होपफुली यू विल सी मी विद द टाइटल आल्सो समडे। या ओके मैम, सो मैम एम हमेशा से क्या रहा? एम हमेशा से ये था कि जर्नी में थकूं नहीं, रुकूं नहीं, कहीं जाने की जल्दी नहीं थी मुझे। हाँ, मैं लगातार प्रयास करती रही, चलती रही। कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी समडे द प्रिंसिपल ऑफ वन स्कूल, बिकॉज आई इनिशियली टोल्ड यू स्टार्टेड एज अ रिसेप्शनिस्ट। धीरे धीरे वहाँ से सीखना, फिर टीचिंग में आना, फिर टीचिंग मेरा पैशन बन गई, और प्री से फिर सीनियर क्लासेस, देन कोऑर्डिनेटर, एंड फाइनली द प्रिंसिपलशिप आई हैव अचीव 15 इयर्स इन अ रो। अब 15 साल से मैं प्रिंसिपल हूँ, और आपके जैसे ही बच्ची थी मैं जब मैंने शुरुआत की थी। तो बच्चों को रुकना नहीं चाहिए, चलना जरूरी है, एक एम लेके चलिए, और उसको अचीव करने के लिए कोई भी छोटा पड़ाव छोटा नहीं होता, उसको आपको पूरा करना चाहिए। एक छोटी पहल भी जरूरी है। ओके मैम, तो मैम एज यू टोल्ड, नॉट ओनली एजुकेशनल फील्ड, एक्चुअली यू आर इन्वॉल्वड इन मेनी ऑफ द सोशल वर्क, बहुत सारे सोशल वर्क में भी है मैम, स्पोर्ट्स टू, देन दिस मॉडलिंग टू। सो मैम बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डिफिकल्टीज भी तो आई होंगी ना, जो आपको मोल्ड कर दिया इसकी आप हर एक फील्ड में, यू नो, कैपेबल। या यू कैन से चैलेंजेस आए थे, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ, हम अपने पर्टिकुलर पोजीशन में रहते हुए भी अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, कुछ ना कुछ अगर हम दे सके, जो हमें मिला है सोसाइटी से, अगर वो हम वापस कर सके, पूरा तो नहीं कर सकते, बट जितना भी अपनी तरफ से कोशिश की जा सके, तो बच्चों को देना और जिनको जरूरत है, इफ वी आर एबल, अगर हमें प्रभु ने इतनी दी है शक्ति कि हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते, इवन अ बिट ऑफ द गिट, तो हमें करना चाहिए। चैलेंजेस तो थे, मगर हाँ, वही एक वर्सेटैलिटी जो थी, बच्चों के साथ रहना मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, उनको देख के कि वो कुछ भी नया सीखने से नहीं पीछे हटते हैं, तो वहां से मुझे लगा कि व्हाई नॉट अस, वो जो बच्चा हमारे अंदर है उसको जिंदा रखना जरूरी है। अनमोल का आयुर्वेदिक काढ़ा जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और खांसी और बुखार में भी फायदा करता है। धानामल आयुर्वेद, आयुर्वेद का हस्ताक्षर। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कभी भी अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है वो पूरा करना जरूरी है। लड़कियां गिव अप कर देती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो अभी खांचा है और जिस तरीके से इस ढांचे को बनाया गया है, वो एक पर्पस से पेरेंट्स लेके चलते हैं, बट आई एम थैंकफुल टू दिस सिनेरियो।
अब पेरेंट्स एक नई सोच के साथ आगे आ रहे हैं कि लड़कियां ही नहीं लड़के भी दोनों इक्वली घर के लिए काम करते हैं, बच्चे अब एक जैसी परवरिश मिल रही है। तो लड़कियों को अपने होप्स पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। नो मैटर यू आर मैरिड, नो मैटर यू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल, इट्स ओके, बट यू शुड परस्यू। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको ठहराव लेना पड़े, मगर उस ठहराव के बाद एक लंबी छलांग की भी गुंजाइश पूरी। जो मुझे अभी ट्रांसफॉर्मिंग लगता है, जो मैं रीसेंट डेज में याद कर सकती हूँ, बिफोर टू इयर्स आई वाज लाइक वेरी पोस्ट प्रेगनेंसी आई गॉट अ लॉट ऑफ वेट, आई वाज लाइक इन 90s समवेयर, एंड फ्रॉम देयर आई टुक अ चैलेंज फॉर माय सेल्फ कि मेरे बच्चों के लिए मुझे अपने आप को फिट करना है, मुझे आगे जाना है, क्योंकि उसके साथ बीमारियां भी आती, नॉट जस्ट टू शो कि आई एम फिट, आई वॉन्टेड टू बी, आई टुक अ चैलेंज एंड दैट बिकॉज माई किड आस्क्ड मी टू, मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया और उनके साथ मैंने शुरू किया। फ्रॉम देयर टू नाउ गेटिंग सिलेक्शन इन टॉप 40 वाज समथिंग दैट चेंज कम्प्लीटली। और मुझे याद है इसलिए क्योंकि मैं बच्चों के साथ स्कूल में रहती थी तो मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, और आपकी एनर्जी देख के लगता था कि नहीं मुझे भी उतना एनर्जी होना चाहिए। तो आप लोगों से मिलके, आप लोगों को देख के वहां से मोटिवेशन मिला, और देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय पर्सनालिटी, एंड टुडे यू कैन सी मी दैट आई हैव समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड मायसेल्फ, एंड इट कैन हैपन विद एनीवन एंड एवरीवन। अगर आप थोड़े मोटे हैं, आप थोड़े गोलू मोलू हैं, तो आप डिसहार्टेड मत होइए। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे इफ आई कैन बीइंग अ मदर अ गर्ल इजीली कैन, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपने आप से प्यार है, आप बदल जाएंगे। आप भी इस्तेमाल कीजिए धान अमल का आयुर्वेदिक काढ़ा, ये घर का बना हुआ फैमिली काढ़ा है। हम छोटे शहरों में क्या डिसएडवांटेज है कि लोग बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट होते जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई जाना है, कोलकाता हैज अपॉर्चुनिटीज, दिल्ली हैज अपॉर्चुनिटीज, बैंगलोर हैज अपॉर्चुनिटी, व्हाई? नहीं, ऐसा सच नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज वहां पे है, टैलेंट हमारे पास है, हमारे यूपी बिहार और स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन, लॉट ऑफ टैलेंट। मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, लोग मुझसे बाहर जाते हैं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, एंड आई प्राउडली से आई एम फ्रॉम बनारस, मैं दिल से अक्खड़ बनारसी हूँ। और ये हर बच्चे के साथ जाता है, अगर आप अपने होम टाउन छोटा आपको लगता है तो टैलेंट कभी छोटा नहीं होता है, टैलेंट ही नहीं का होता है। चाहे आप अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, चाहे आप मनोज वाजपेयी को ले लीजिए, सब स्मॉल टाउन से हैं, संजय मिश्रा जी को ले लीजिए, दे आर ऑल फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और उन्होंने एक ऐसा नाम और ऐसा मुकाम बना दिया है कि अच्छे बड़े शहरों के लोगों को भी पाना शायद मुश्किल ही होगा। तो टैलेंट ऑफकोर्स आपके स्मॉल टाउन में ज्यादा है, हाँ माइग्रेशन इसलिए हो रहा है कि बच्चों को भी थोड़ी चकाचौंध पसंद है, एक बार उनको दुनिया भी देखनी चाहिए, देख के वापस वो होम टाउन आए, एंड दे शुड वर्क ऑन देयर होम। आज के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है, बस एक सिंपल सजेशन देना चाहूंगी मैं अपने एंड से। अगर आपने डिसाइड कर लिया है यू वांट टू बी समथिंग, तो अपने ड्रीम पे कभी भी होप नहीं छोड़नी है। अगर आपको ड्रीम फॉलो करना है तो अपने पर पहले विश्वास करो, दूसरा अपने आप उस पर विश्वास करेगा। डोंट मेक पीपल बिलीव एट यू, यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड पीपल विल बिलीव। थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वॉज रियली लवली एंड अमेजिंग कन्वर्सेशन। Thank you, Vidhi. Thank you for having me here. Thank you so much.